चतुरी की तो ऐश है ऐश। ऐसे मांगने से नहीं मिलता है, किस्मत वालों को ही मिलता है बड़ा घर। खबर वाली, वैसे भी ना लिखवा के आने पड़ता है, लिखवा के बात करते हैं। अब ऐसे किस्मत ही कहेंगे इसको तो। मालकिन तो 2 महीने से बाहर गई हुई हैं और साहब भी आधा टाइम मुंबई से बाहर रहते हैं। मानना पड़ेगा चतुरी को, अकेली घर में राज कर रही है राज। हाँ पी साहिब बोलिए। एक काम है चतुरी तुम्हारे लिए, तुम जाकर फ्लैट को अच्छे से साफ कर दो। जी 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 साहिब हो जाएगा, और ये काम करना तो चतुरी के बाएं हाथ का खेल है। चतुरी सफाई अच्छे से करना। हाँ बस वो साहिब मेरे पैसे का थोड़ा ध्यान। पैसे की चिंता मत करो। हाँ हो जाएगा साहिब, हो जाएगा। जी 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 साहिब ओके। ये साहब भी पता नहीं क्या क्या कराता रहता है मेरे से। इस काम का तो साहिब से मोटा पैसा लेगी अपुन। मोटा पैसा? चल जल्दी काम पे लग जा। बड़े साहब लोगों का ना एक चक्कर रहता है। इन अपुन को क्या है, अपुन को तो खूब सारा पैसा मिलेगा, पैसा। और अपुन तो पैसे के लिए कुछ भी करेगी।
नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, इस बार कनाडा काफी समय बिता के आए आप। हाँ, बस सूरज की छुट्टियाँ थी ना 2 महीने की। जी, और सब कैसा है यहाँ पर? मैडम यहाँ तो सब ठीक ठाक है, अब मैं सामान निकालता हूँ। सूरज आ जाओ मामा। अपने पांव पर चलकर घर भी नहीं जा सकती, मैं तो थक गई हूं अब मैं इस व्हीलचेयर पर बैठे बैठे, पता नहीं कब तक ऐसे चलेगा। मामा, मामा पूरे 2 महीने हम नानी के यहाँ ट्रीटमेंट सर्जरी करवा के आए। मामा ऐसे मत बोलो मामा, ये मत सोचो कि क्या हो गया है, ये सोचो कि क्या हो सकता है। चलो मामा, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये लो मम्मा, घर आ गया। बेटा पापा को फोन कर लेना चाहिए। ओह नो मम्मा, मम्मा आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरा सरप्राइज वेस्ट नहीं करोगे। मम्मा हम 5 दिन पहले आए हैं। मम्मा सोचो, पापा ट्रिप से लौटेंगे और हमें अचानक से देखेंगे, कितना मजा आएगा मम्मा, कितने खुश हो जाएंगे ना वो। मम्मा प्लीज मेरा सरप्राइज मत वेस्ट करो, प्लीज प्लीज मम्मा प्लीज। वो तो ठीक है बेटा, पर पापा गुस्सा करेंगे। नहीं करेंगे, आप देख लेना, पापा हमें देख के खुशी से नाचने लगेंगे। प्लीज मम्मा प्लीज। अच्छा चलो, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। ओके पापा की न्यू नाइफ कलेक्शन कितनी बढ़ गई है। 8 से सीधा 13 और ये नया वाला तो। सूरज, सूरज कहाँ हो? आया माँ। लो, आप फिर से जीत गए यार। जीती नहीं हूँ, बल्कि मुझे मेरे बेटे ने फिर से जिता दिया। कितना ख्याल रखते हो ना तुम मेरा, पर बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि तुम्हें मेरे लिए पूरा दिन घर पर रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बेटा नीचे जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो। पर मम्मा आपको किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो? तो फिर मैं तुम्हें बुला लूंगी।
चतुरी आने वाली है खाना बनाने, अगर जरूरत हुई तो वो है ना मेरे पास। वो हमारा प्लान जरा जल्दी बन गया। ओ, सर को पता है? वो तो काम से बाहर गए हुए। दरअसल उन्हें पता नहीं है, सूरज का प्लान था कि हम पापा को सरप्राइज देंगे। अच्छा अंकल, आप भी उन्हें कॉल वॉल मत करना, बताना मत उन्हें, अचानक से हमें देखेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। ठीक है बेटा। बेटा जाओ अब। ओके। मैं आपको फोन करने ही वाली थी। थैंक यू सो मच, आपने इनका इतने अच्छे से ख्याल रखा जब हम लोग नहीं थे। अच्छा वो आज चतुरी नहीं आई? मैं अभी देखता हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ऐसा क्या देखा? एक 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 लड़की को एक आदमी ने चाकू से अटैक किया। मैंने खुद खुद देखा अपनी आंखों से। मैंने खुद देखा। मैं देख क्या दूं? अरे नहीं सूरज, तू नहीं जा सकती। मैं देख क्या? सूरज, सूरज वहां जाना खतरनाक है। सूरज भैया, भैया जल्दी चलिए मेरे साथ, जल्दी चलिए। क्या हो बाबा, कहाँ चलना है? वो मेरे घर के सामने वाली बिल्डिंग में बी ब्लॉक 5th फ्लोर, वहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है, जल्दी दौड़ मेरे साथ। बाबा हम ऐसे किसी के घर में कैसे जा सकते हैं? एक मिनट, वो बी विंग में 5वें माले पे उस फ्लैट की बात कर रहे हो क्या? हाँ बाबा, वो तो काफी समय से बंद पड़ा है, वहाँ कोई रहता ही नहीं, वहाँ कौन हो सकता है? वो सब मैं नहीं जानता, मेरी मम्मा ने वहाँ कुछ बहुत बुरा होते हुए देखा है। आप जल्दी चलिए मेरे साथ। चलो जल्दी चलिए, जल्दी चलिए मेरे साथ, चलिए आप आइए, आइए ये आइए। एक कैसी बू है? बाबा ये फ्लैट कई महीनों से बंद पड़ा है, चूहा हुआ मर गया होगा, उसी की बदबू है ये। तुम्हारी गलतफहमी हुआ, यहाँ कोई नहीं रहता। हेलो। हाँ मम्मा। सूरज तुम कहाँ हो? अरे मम्मा मैं उस फ्लैट में हूँ। सूरज वहाँ कोई दिखा? यहाँ
यहाँ कोई नहीं है। मना किया था ना तुझे वहाँ जाने से, क्यों गया? अभी क्या भी घर आओ। अरे मम्मा वो मैं ऐसे ही आ गया था। सूरज अभी इसी वक्त घर वापस आओ। ओके मम्मा। फ्लैट में गया पर वो ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप बता रहे हो। गार्ड से पूछने पे बस इतना पता चला कि वो फ्लैट बहुत दिनों से बंद पड़ा है, इसलिए वहाँ एक अजीब सी स्मेल आ रही थी बस। नहीं बेटा, मैंने खुद देखा है, वो आदमी उस औरत को बहुत बुरी तरह मार रहा था। मम्मा ये आपका वहम है, वो फ्लैट तो इतनी दिनों से बंद पड़ा है। और क्या, चलो ना मम्मा बहुत भूख लगी है, चलो ना। बेटा पर मम्मा बहुत भूख लगी है, चलो ना। एक तो ये चतुरी भी आज नहीं आई है, चलो बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। चलो कोई नहीं है मम्मा। नहीं बेटा है, एक 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 डरावनी सी औरत। मम्मा आपने बुरा सपना देखा होगा, वहाँ कोई नहीं है। नहीं सूरज, कोई सपना नहीं देखा। मम्मा रिलैक्स, कोई नहीं है वहाँ पे। मम्मा मैं हूँ ना आपके साथ। एक काम करते हैं, आज रात में इधर ही सो जाता हूँ, ओके? और ये भी हो सकता है शायद से दवाइयों का असर हो। स्लीप 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 स्लीप। क्या करूं? अब चतुरी किधर है? वो आज काम पर आई है। क्या मालूम साहब, कल तो दिखी थी, आज तो मिली नहीं। और वैसे भी ना चतुरी का कुछ भरोसा ही नहीं, कहां जाती है, क्या करती है। गार्ड जरा रजिस्टर में देखो चतुरी आई है क्या, उसकी एंट्री होगी ना। जी साहब। साहब इसमें एंट्री तो है कल की, लेकिन उसका आउट टाइम नहीं है। आउट टाइम नहीं है? Switched off. ये राहुल का फोन क्यों नहीं लग रहा? Oh God, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इतने साल हो गए इस घर में, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये भारीपन, राहुल। Thank you.
भरत को फोन लगाती हूँ, उसे बोलती हूँ कि मेरा राहुल से कैसे भी कांटेक्ट करवाए। भरत। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा लिसन, ये राहुल का फोन क्यों नहीं मिल रहा है? इट्स कमिंग स्विच्ड ऑफ। क्या सर का फोन लग नहीं रहा है? बहुत अर्जेंट बात है, प्लीज किसी भी तरह से मेरा उनसे कांटेक्ट करवाइए। डोंट वरी मैम, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। या थैंक यू। हेलो प्रिया। डॉक्टर आप कैसी हो और पैर कैसा है? अभी चलने की कोशिश कर रही हो? ऑनेस्टली नहीं, पर डॉक्टर आपको कैसे पता चला कि हम आ गए हैं? वो कल सूरज ने आपके हस्बैंड के पी के थ्रू मुझे मैसेज ड्रॉप करवाया था। आपका फिजियो इमीडिएटली स्टार्ट करना है, ओके? तुम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हो ना? जी। क्या हुआ प्रिया, तबीयत ठीक नहीं है या जेट लैग हुआ है? शायद जेट लैग। देखो प्रिया, ये फिजियो के फुल इफेक्ट के लिए तुम्हारा बॉडी रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। आप गर्म पानी से नहा लीजिए, यू विल फील बेटर। उससे आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, राइट? चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मैं देखती हूँ। कौन है प्रिया? यहाँ कोई भी नहीं। प्रिया, nobody's there. Calm down, please, calm down. मम्मा ने अपना क्या हाल बना लिया? नानी कहती थी कि अगर बुरे ख्याल आए तो लोहे का चाकू सिरहाने के नीचे रख कर सो जाना चाहिए। ठीक है, पापा की नाइफ कलेक्शन में से एक ले लेता हूँ। ओके, यही ठीक रहेगा। कौन है वहाँ? कौन है? कौन है? कौन? या तो कोई नहीं है। कौन है? ये कौन है?
ये क्यों रे? मैं पापा को फोन करके आता हूँ। सूरज बेटा, बेटा क्या हुआ? मम्मा मम्मा आप तो यहाँ खड़ी थी ना, तो फिर ये व्हीलचेयर। सूरज कैसी कैसी बातें कर रहा है बेटा, मैं व्हीलचेयर से कैसे उठ सकती हूँ? हुआ क्या, इतने डरे क्यों हो तुम? मम्मा 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 इस घर में कुछ गड़बड़ है मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। कोई बात नहीं, इधर आ तू, इधर आ। चाकू कहाँ गया? यही तो था। राहुल सर के आने से पहले कुछ भी करके मुझे वो चाकू ढूंढना ही पड़ेगा, वरना कहाँ जा सकता है वो चाकू? ये चतुरी भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। मुझे इस फ्लैट में जाकर पता करना पड़ेगा, मैंने चतुरी को यहां भेजा था। ये लाइट वाले भी बिना बात के लाइट काट देते हैं। दो दिन पहले चतुरी को यहां सफाई के लिए भेजा था, तब से चतुरी भी दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं कहां मर गई चतुरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। चतुरी चतुरी मैं यहां हूं साहब।
मैं यहाँ बचाओ 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 छोड़ दो मुझे ना भेज आपने मुझे इस घर में मैं तो यहाँ बस गई अब आप यहाँ आए हो अब बच नहीं पाओगे चुप चुप क्या हुआ मामा को मामा कहाँ है पापा बड़ी जा रहा है पापा चल मेरे साथ पापा है ना चुप चुप प्रिया 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 ये तुम अपने पैरों पे व्हील चेयर ये सब कैसे हो वो सूरज क्या बोल रहा था राहुल तुम आ गए क्या कह रहा था सूरज क्या कह रहा था सूरज देखो ठीक तो हूं मैं याद आया कुछ राहुल यही पसंद है ना तुम्हें मेरी ये अदाएं मेरे ये
खुले बाल, मेरी आवाज, आओ ना करीब राहुल। Just stop it, प्रिया, क्या कर रही हो तुम? राहुल, प्यार करते हो ना मुझसे? हमेशा मेरे साथ रहना चाहते थे। आओ ना राहुल, करीब आओ ना मेरे। प्रिया, just stop it, don't do this। राहुल, just stop it। कौन है तुम? मुझे नहीं पहचाना राहुल। तुम मेरी प्रिया नहीं हो सकती। कौन हो तुम? कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अब हमें कोई अलग नहीं करेगा, तुम खुद भी नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। दूर रहो उसे, दूर रहो। मैं फिर से जान से मार डालूंगा, जैसे मैंने तुम्हें पहले मारा था। राहुल, ये मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। क्या कर रहे हो राहुल? मैं हूँ तुम्हारी प्रिया। नहीं, तुम मेरी प्रिया नहीं हो सकती। तुम स्नेहा, स्नेहा तुम, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम स्नेहा हो। राहुल, मैं प्रिया हूँ, और ये स्नेहा कौन है? किसकी बात कर रहे हो राहुल तुम? राहुल, क्या हो गया तुम्हें? मेरे सूरज को छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो उसको। प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसकी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, प्लीज। सूरज, 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 राहुल कुछ करो ना, मेरा बच्चा। प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत करो। नहीं छोड़ूंगी। इस औरत लड़की की वजह से तुमने मुझे छोड़ा, मेरे प्यार को छोड़ा। अगर ये ना रहेंगे तो तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारा खून किया। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती थी, तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, और तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? पापा, पापा! I'm sorry, Sneha.
तुमने अपनी झूठी इज्जत के लिए एक खून कर दिया, एक एक लड़की को मार दिया। ये शायद मुझे कितने दिनों से बताना चाह रही थी। मेरे बेटे की जान को खतरे में डाल दिया। तुम्हें सजा मिलेगी, तुम माफी के लायक नहीं हो। नेहा, इसे माफ मत करना। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार हूँ। सूरज को छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। नेहा, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। पापा, पापा, बचाओ, बचाओ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.